पंडित अंकल, पंडित अंकल, मैं ये केला खा लूं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्यों नहीं बेटा, खा लो खा लो, क्या बात। भैया ये छिलके बाल फेंक के आओ। ओम विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु, ओम स्वाहा, ओम विष्णु विष्णु, ओम स्वाहा। लड़का लड़की दोनों हाथ आगे करो। ओम स्वाहा स्वाहा, ओम विष्णु विष्णु स्वाहा, ओम गणपति स्वाहा। पंडित अंकल, पंडित अंकल, मैं ये छेप खा लूं क्या? बहुत जोर से भूख लगी है। ले बेटा खा ले, मना किसने किया है। पंडित अंकल, पंडित अंकल, वो लाल वाला छेप दो ना, भूख लगी है। ले खा ले, मना किसने किया, खा लो बेटा। पंडित अंकल, पंडित अंकल, ये वाले छेप भी खा लूं? दो छेप पेट नहीं भला। खा लो बेटा खा लो, उठा लो खा लो। ओम विष्णु विष्णु, ओम ओम विष्णु विष्णु, ओम। ये चावल अब इस लोटे में डालो बच्चा, तुम भी डालो बच्चा। ओम विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु, ओम विष्णु 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 हरि, विष्णु 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 विष्णु। पंडित अंकल, पंडित अंकल, अब क्या चाहिए बेटा? वो लड्डू दो ना, पेट नहीं भरा। ये लो बेटा खा लो लड्डू। एक नहीं चारों, भूख लगी है बहुत जोर से। चारों चाहिए, ये लो बेटा चारों ही खा लो। ओम विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु। ओम विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु, ओम यम 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 विष्णु विष्णु विष्णु। पंडित अंकल, पंडित अंकल, आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा, क्या बात है, क्या पूछनी है? पंडित अंकल, पंडित अंकल, आप हम दोनों का क्या करवा रहे हो? बेटा मैं तुम दोनों की शादी करवा रहा हूँ। पंडित अंकल, हम दोनों की शादी हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। बेटे पहले फेरों की रस्म पूरी हो जाने दो, फिर तुम पेट भर कर खा लेना, मना किसने किया है। नहीं मुझे कुछ खाने को दो, मुझे अब भी खाना है। तू मुझे खा ले महिषासुर। भैया नाराज क्यों होते हो, अब खाने की चीज थोड़ी ना हो। क्या कहा भैया, मैं तेरा पति हूँ, पति समझी। पति वो क्या होता है? पंडित अंकल, पंडित अंकल, ये पति क्या होता है? रुक मैं बताता हूँ तुझे पति क्या होता है। आप चुप हो जाओ भैया, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पंडित अंकल बताओ ना, ये पति क्या होता है? मंगलम विष्णु, ओम मंगलम विष्णु, ओम मंगलम विष्णु। अब दूल्हा दुल्हन दोनों फेरों के लिए खड़े होंगे। अब दूल्हा दुल्हन दोनों पहला फेरा लेंगे। तो अब पहले फेरे का पहला वचन सुनो। पंडित जी दो मिनट रुको, मेरे बहुत जोर का एक नंबर लगा है,
हाँ बेटा जाओ मगर जल्दी आना। पंडित जी मैं यूं गया और यूं आया। पंडित अंकल, पंडित अंकल, मेरा दूल्हा भाग गया क्या? अब मेरा क्या होगा? बेटी चुप हो जाओ, तुम्हारा दूल्हा भागा नहीं है, वो एक नंबर गया है। पंडित अंकल, पंडित अंकल, ये एक नंबर क्या होता है और मेरे पति एक नंबर क्या करने गए हैं? बेटी एक नंबर का मतलब है वो सुसु करने गया है। अच्छा अच्छा, तो वो सुसु करने गए हैं। हाँ पंडित जी, अब बताओ आप पहले फेरे का पहला वचन। अब तुम दोनों सुनो पहले फेरे का पहला वचन। पंडित जी एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं हाथ धोना तो भूल ही गया, मैं अभी आया बस हाथ धोके। हाँ पंडित जी, अब फाइनली बताओ पहले फेरे का पहला वचन। तो अब तुम सुनो पहले फेरे का पहला वचन। पंडित जी 5 मिनट रुको, मेरे 2 नंबर आ रहा है, पेट में अचानक की गड़बड़ हो गई है, मुझे लगता है पकोड़ों में कोई दिक्कत थी, मैं स्वाद स्वाद के चक्कर में पकोड़े ज्यादा ही खा गया कुछ। पंडित अंकल, पंडित अंकल, अब मेरा दूल्हा क्या करने गया है? बेटी अब वो 2 नंबर करने गए हैं। पंडित अंकल, पंडित अंकल, ये 2 नंबर क्या होता है? बेटी वो फ्रेश होने गए हैं, यानी लेटरिंग गए हैं, अब आ गई तेरे समझ में? अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गई कि 2 नंबर जाना क्या होता है। हाँ पंडित जी, अब आप शुरू करो पहला वचन। अरे अब की बार तू हाथ तो धोकर आया ना? हाँ पंडित जी धोकर आया हूँ। अब सुनो पहले फेरे का पहला वचन। पंडित अंकल रुको। अरे अब क्या हुआ, मुझे फेरे तो करवा लेने दो, मुझे और भी 2 जगह फेरे करवाने जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। पंडित अंकल पहले ये बताइए कि शादी किसकी हो रही है? आप दोनों की। तो फिर वचन मैं लूंगी मेरे दूल्हे से, क्यों दूल्हे राजा? हाँ हाँ क्यों नहीं। जल्दी लो बेटी, मुझे 2 जगह और भी जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? तो पंडित अंकल जी सुनो मेरा पहला वचन। एक मिनट रुको बेटा, मुझे 1 नंबर जाना है। हाँ अब बताओ बच्चा तुम्हारा पहला वचन। पंडित अंकल अब आप 5 मिनट रुको। मगर क्यों, अब क्या हुआ? पंडित अंकल, पंडित अंकल, अब मेरी बारी है ना? अरे किस चीज की बारी? पंडित अंकल 1 नंबर और 2 नंबर जाने की, मैं चली दोनों एक साथ। अरे पंडित जी आप कहाँ चले? मैं चला कहीं और फेरे करवाने।